स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था. चैप्टर फर्स्ट ऑफ सीक्वेंस सीरीज, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स. टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स मीन्स हमने सारा काम रियल नंबर्स पे करना है. ठीक है, इसमें हमने किया था कल, क्विक रिवीजन ले लेते हैं. इंटरवल क्या होता है? हमने देखा था कि कोई दो एलिमेंट लिए थे हमने किसी सेट से. ठीक है, अगर उन एलिमेंट्स में कोई गैप नहीं है, उन एलिमेंट्स में कोई गैप नहीं है मीन्स टू से, ठीक है, हर एक्स के लिए, ये एक्स कहाँ से है? आई से, इंटरवल आई सेट से. ठीक है, ये आई आपका इंटरवल फॉर्म कब बनेगा? जब किन्हीं उस आई के दो एलिमेंट्स के बीच में कोई गैप नहीं है. ठीक है, मींस क्या नोटेशन रहेगी? ए और बी के बीच में एक्स आए, ठीक है, वो एक्स कहाँ का हो? आई का ही हो, हर एक एक्स, फॉर ऑल एक्स. ठीक है, तभी हम उसको कहेंगे क्या है वो, इंटरवल है. जैसे आपके पास ये फॉर्म बनेगा ना, ओपन में क्या हो जाएगा, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, दैट इज सॉरी ए बी. ठीक है, ये हमारे पास ओपन की नोटेशन रहेगी. तो हम किसी सेट आई को इंटरवल कब कहेंगे? जब उसके किसी किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में कोई गैप ना आए, मीन सारे के सारे एक्स आइज आ जाए. ठीक है, सारे के सारे एक्स आई से हों, जब जब आपका फॉर ऑल ए और बी के बीच में एक्स लाई करता. ठीक है, तब हम इस सेट आई को क्या कह देंगे, इंटरवल कह देंगे. इंटरवल के ये दो आपके एग्जांपल्स हैं, सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल भी है. ठीक है, फिर हमने किया था इंटरवल बताने, फाई आपका हमेशा इंटरवल होता है. हमने कल एग्जांपल किए थे क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड. क्या नेचुरल नंबर्स आपके इंटरवल बनाते हैं? नहीं बनाते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, वन टू अप टू सोन. ठीक है, वन और टू के बीच में ये तो सेट है ना. ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट उठाएं तो आपके कितना गैप रहेगा, रैशनल और इरेशनल बीच वाले नहीं आ रहे. ठीक है, ऐसे ही इंटीजर्स हो गए, रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, ये आपके इंटरवल्स नहीं बनाते. रियल्स नंबर का सेट क्या होता है? आपका इंटरवल फॉर्म बनाता है. ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना, इसके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सारे एलिमेंट आ जाएँ, आ रहे हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी आपका कोई इंटरवल नहीं बनाता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो हम ग्रेटर और स्मॉल की बात ही नहीं करते. इंटरवल्स हमने पढ़ ही लिए हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जैसे 0 1 हो गया, क्लोज 0 1 हो गया, ऐसे सेमी में ले लेते हैं. ठीक है, फाई फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन आपका हमेशा इंटरवल बनाता है. ठीक है, किसी सेट में ए एलिमेंट है, क्या ये इंटरवल, मतलब सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो खुद ब खुद इंटरवल बनाएगा ही बनाएगा. ठीक है, ऐसे ही हमने कल इंटरवल किया था. फिर हमने बाउंडेड सेट की बात की थी. बाउंडेड सेट के लिए हमने टू थिंग्स पढ़ी थी, बाउंडेड अबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट. ठीक है, बाउंडेड अबव हमने किया था कि कोई यू लिया था. ठीक है, यू आपका बाउंडेड अबव एलिमेंट कहलाएगा कब, जब वो उस सेट के, मान लिया एस सेट, उस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा हो जाए. ठीक है, मींस टू से बाउंडेड अबव, कोई सेट बाउंडेड अबव कब होगा, जब हमें कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए. ठीक है, जो हमें यू मिल गया, कोई हमें ऐसा रियल नंबर यू मिल जाए जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं. ठीक है, तब हम उस सेट को कह देंगे कि सेट इज बाउंडेड अबव बाय एलिमेंट यू. ठीक है, और बाउंडेड बिलो, किसी सेट एस को हम बाउंडेड बिलो कब कहेंगे, सॉरी हमने कल के लिया था, के और स्मॉल के, किसी सेट एस को हम बाउंडेड बिलो कब कहेंगे, जब हमें कोई ऐसा रियल नंबर स्मॉल के मिल जाए सच दैट उस के से उस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं. ठीक है, तब हम उस सेट को कह देंगे कि सेट इज बाउंडेड बिलो विद एलिमेंट के. ठीक है,
तो ऐसे ही हमने अनबाउंडेड पढ़ा था, अगर किसी सेट के पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो हम क्या कह देंगे, वो सेट बाउंडेड है, ठीक है। अनबाउंडेड सेट पढ़ा था, अनबाउंडेड सेट के लिए हमने क्या देखा था, अनबाउंडेड सेट में हमने पढ़ा था कि अनबाउंडेड अबव हो या अनबाउंडेड बिलो हो कोई सेट, या दोनों ही प्रॉपर्टी हो, कोई सेट है जो अनबाउंडेड अबव है या अनबाउंडेड बिलो है, या उसके पास दोनों, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उस सेट को क्या क्या देंगे, अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड अबव सेट कौन सा होता है, जो बाउंडेड अबव नहीं होगा। अनबाउंडेड अबव सेट कौन सा होगा, जो नॉट बाउंडेड अबव होगा, ठीक है। और अनबाउंडेड बिलो सेट कौन सा होगा, जो बाउंड नॉट बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बाउंडेड सेट का फाई फंक्शन ऑलवेज बाउंडेड है, ठीक है, अबव भी है बिलो भी है। इंटरवल -a to a ले लो, बाउंडेड है, ठीक है, -a से अनबाउंडेड बिलो एलिमेंट है, और ये आपका ये बाउंडेड अबव बाय a है, ठीक है। ए टू इन्फिनिटी, ए आपका इसका बाउंडेड बिलो एलिमेंट है, अबव नहीं है, ये बाउंडेड अबव नहीं है ये सेट, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबव नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट आपका बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फाइनाइट सेट की बात करेंगे, फाइनाइट सेट ए वन ए टू अप टू ए एन बाउंडेड अबव है ठीक है, बिलो भी है, ठीक है। अगर हमें दोनों बाउंड्स मिल जाएं, अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो हम क्या कह देंगे कि सेट हमारा बाउंडेड है, ठीक है, हमें बस बाउंड्स देखनी है। फाई आपका फाई हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, ये ऑलवेज आपके बाउंडेड अबव भी होंगे, बाउंडेड बिलो भी होंगे। लोअर बाउंड अपर बाउंड बताया था मैंने आपने कैसे निकालना है। अब जैसे मेरे पास सेट -a to a है, ठीक है, इसका अपर बाउंड क्या रहेगा, अपर बाउंड के लिए आप क्या करते हैं, अपर बाउंड कौन से एलिमेंट बनते हैं, जो आपके पास बड़ा एलिमेंट हो, अपर बाउंड a है ना, और a या a से कोई भी बड़ा एलिमेंट, वो हमेशा क्या बनाएंगे, अपर बाउंड बनाएंगे ना, ठीक है। तो इसका अपर बाउंड का सेट होगा, अपर बाउंड्स का सेट ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, और लोअर बाउंड्स का सेट क्या होगा, -a to -infinity, ठीक है। अपर बाउंड्स का सेट मतलब इसका अपर बाउंड क्या, ए, और ए से बड़ा कोई भी एलिमेंट होगा वो इस सेट का अपर बाउंड ही रहेगा ना। लोअर बाउंड में भी सेम, -a इसका लोअर बाउंड है, और -a से छोटा कोई भी एलिमेंट होगा वो इस सेट का हमेशा लोअर बाउंड रहेगा, ठीक। तो ये हमने कल अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़े थे। इसके बाद हमने सुप्रीमम इन्फिमम देखा था। सुप्रीमम के लिए, सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि कोई सेट एस है, नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट किसका है, रियल नंबर्स का, ठीक है। इस सेट को हम सुप्रीमम कब कहेंगे, अगर ये सेट क्या है, एक तो बाउंडेड अबव है, ठीक है, सेट बाउंडेड अबव है, और उन बाउंडेड अबव वाले सेट में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। यही डेफिनेशन होती है, हमने पढ़ा था कि बाउंडेड अबव में से जो सबसे लीस्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया -a to a, चलो -1 to 1 ले लेते हैं, ठीक है। अपर बाउंड्स का सेट क्या होगा, अपर बाउंड्स, इसके अपर बाउंड्स का सेट हमारे पास 1 to infinity, ठीक है। इन अपर बाउंड्स, ये कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट अपर बाउंड्स हैं ना, ठीक है। इनमें से सबसे छोटा क्या है, 1, ये 1 क्या है इस सेट का, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है।
ऐसे ही निकाला था हमने। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी सुप्रीमम की, अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, किसी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। फर्स्ट थ्योरम हमने यही की थी, थ्योरम फर्स्ट विद प्रूफ की थी यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम। ली क्या कह रही थी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट, पहला आपका रिजल्ट था कि जो लीस्ट अपर बाउंड होगा किसी सेट का अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा, इफ एग्जिस्ट कंडीशन है, एग्जिस्ट करता है तो हमेशा यूनिक होगा। सेकंड हमने किया था कि किसी सेट का अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा सुप्रीमम बनाएगा सेट का। ठीक है, थर्ड थ्योरम थी आपके पास कि कोई सेट है नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का और वो सेट क्या है, बाउंडेड अबव है, तो हमें पता है उसके पास पक्का सुप्रीमम होगा ही होगा। ठीक है, मींस इस सेट का सुप्रीमम होगा ही होगा जो मान लिया यू है। ठीक है, अगर सुप्रीमम होगा तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास, एक तो आपका वही डेफिनेशन सुप्रीमम की, जो यू है वो एक्स एस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, सुप्रीमम है ना, लीस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड्स में से हमने एक एलिमेंट लिया, मीन्स सेट के सारे एलिमेंट्स में से बड़ा होगा। दूसरा, अगर और कोई अपर बाउंड बनने की, लीस्ट अपर बाउंड बनने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है क्या, ये हमारे पास सेट एस है, इसमें से ये सारे एलिमेंट्स हैं, अपर बाउंड मान लिया यू है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्स अदर एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट एक्स, तो वो एक्स क्या होगा, यू में से लाइटली सा यू माइनस एप्सिलॉन उससे बड़ा होगा, वही सेम डेफिनेशन सुप्रीमम के। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोई सेट अब बाउंडेड अबव है तो उसके पास पक्का सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम होगा तो उसके पास सुप्रीमम की डेफिनेशन होल्ड करेगी। ठीक है, ये तीन रिजल्ट थे आपके सुप्रीमम के। फिर ऐसे ही इन्फिमम के बारे में हमने पढ़ा था, इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब हमें लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड्स का सेट जो होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन थी, प्रॉपर डेफिनेशन आप याद कर लेना कि एल कोई लोअर बाउंड बनेगा एक तो, और अगर और कोई बनने की कोशिश करेगा तो वो L उससे बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल किया था 1 और 3, इसका लोअर बाउंड क्या है 1, मतलब लोअर बाउंड्स का सेट कौन सा होगा, लोअर बाउंड्स इसके होंगे -∞ to -∞ to 1। ठीक है, और इसमें से क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है 1, तो 1 इसका क्या बनेगा GLB, मीन्स इन्फिनिमम बनेगा। ठीक है, जी एल बी से ही हमें क्लियर हो रहा, लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसके भी हमने रिजल्ट किए थे, पहला रिजल्ट बोला था कि आप लोग रीड कर लेना, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो यूनिकनेस ऑफ इन्फिमम है, कहता है कि अगर किसी सेट का जी एल बी एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा, इसका प्रूफ सुप्रीमम की तरह ही है, सेम एज इट इज आपको करना है। सेकेंड रिजल्ट आपका, अगर किसी सेट के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, किसी सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा इन्फिमम बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो सेट है तो उसके पास पक्का इन्फिमम होगा ही होगा, इन्फिमम होगा तो क्या क्या कंडीशंस हैं, वही इन्फिमम की डेफिनेशन। ठीक है, एक तो सेट के सारे एलिमेंट उस इन्फिमम से बड़े होंगे, दूसरी कंडीशन, अगर कोई और बनने की कोशिश कर रहा है तो ये रहेगा। ठीक है, कल हमने एल और एल डैश में रिलेशन किया था, मीन्स जो मेरा एल है वो उस एल डैश से बड़ा होगा, समझ गए, रेल लाइन पे देख लिया करो, यहाँ पे एल है। ठीक है, अगर और कोई बनने की कोशिश कर रहा है तो एल डैश यहाँ पे आएगा ना, लोअर बाउंड तभी बनेगा ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, L प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा, सेट की बात कर रहा है, सेट के अंदर S सेट के अंदर ही बात कर रहा है, तो इसीलिए इसने L प्लस एप्सिलॉन की बात की है। ठीक है, तो L प्लस एप्सिलॉन, सॉरी, जो X होंगे वो L प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे। ठीक है, इधर X है ना सारे सेट के नंबर्स,
तो ये आपके इन फिमम के रिजल्ट्स हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट कहते कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विच इज, सेट बताना है जो बाउंडेड है, ठीक है। तो सबसे फेमस सेट है आपका 1, 1/2, 1/3 अप टू सॉन, 1/n एन, ठीक है। ये सेट कैसा है, इस सेट के सारे एलिमेंट 0 और 1 के बीच में लाइक होते हैं, 0 तो नहीं आएगा, जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी के पास जाएगा, n कैसा है नेचुरल नंबर ना, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, तो x ग्रेटर देन 0 और 1 तो इस सेट में है ही, तो लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। x क्या है, सारे के सारे, मीन्स टू से इस सेट के सारे एलिमेंट्स 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बाउंडेड बाय 0 एंड 1, बाउंडेड बिलो एलिमेंट आपका 0 और अपर बाउंड आपका 1, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि ऐसे सेट का एग्जांपल दो जो बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड बिलो नॉट अबव, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, ठीक है, बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबव नहीं है। थर्ड, बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो, बाउंडेड अबव तो हो, नेचुरल्स का ही नेगेटिव कर दो, नेचुरल्स का नेगेटिव करेंगे तो हमारा सेट क्या बनेगा, -3, -2, -1, ठीक है। सबसे बड़ा एलिमेंट -1, बाउंडेड अबव है बट बिलो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, अपर बाउंड। तीसरा, ना तो बाउंडेड अबव हो और ना ही बिलो हो इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स हैं आपके पास, इंटीजर्स हो गए, रैशनल हो गए, इरेशनल्स हो गए, ये सारे आपके क्या हैं, बाउंडेड अबव भी नहीं है और बिलो भी नहीं है, ठीक। सेकंड एग्जांपल कहते कि इफ एस इज बाउंडेड नॉन एम्प्टी, एक तो एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, साथ में एस कैसा है, बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। कहते प्रूव दैट इनफिमम ऑफ एस लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस, यही प्रूव करना है, डेफिनेशन का यूज करना है बाउंडेड का। गिवन क्या है, एस क्या है, बाउंडेड, बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो होगा और बाउंडेड अबव होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या आएगा, इनफिमम सेट एस का, ठीक है, लोअर बाउंड हो गया इनफिमम एस, सेट एस के सारे एलिमेंट इस इनफिमम से बड़े हो रहे हैं, और दूसरा जो एक्स है वो लेस होगा सेट एस के सुप्रीमम से, जो सुप्रीमम बनेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, वो सेट एस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा और जो इनफिमम होगा वो छोटा होगा, ठीक है। इन दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया, इनफिमम ऑफ एस लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या शो किया कि इनफिमम एस का हमेशा सुप्रीमम ऑफ एस के लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, डेफिनेशंस का ही हम यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है एग्जांपल थर्ड, ट्राई योर सेल्फ सुप्रीमम और इनफिमम की डेफिनेशन का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस एक्सियम्स, पेज नंबर 1.10, कंप्लीटनेस एक्सियम्स, आर्टिकल नंबर 1.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज होता है ये।
कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, ठीक है, प्लस विच इज बाउंडेड अबव, ठीक है, तो उसके पास एक पक्का सुप्रीमम होगा, मतलब लीस्ट अपर बाउंड होगा ही होगा, ठीक है। रियल्स का कोई सबसेट है नॉन एम्प्टी, ठीक है, जो क्या है बाउंडेड अबव है, वही प्रॉपर्टी आ गई ना पुराने वाली कि बाउंडेड अबव सेट के पास सुप्रीमम होगा। यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी, हर कोई भी रियल्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है जो बाउंडेड अबव है वो हमेशा सुप्रीमम रखेगा ही रखेगा, ठीक है, मीन्स उसके पास एक ऐसा रियल नंबर आएगा जो उसका सुप्रीमम बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 1.9, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कंप्लीटनेस एक्सियम, इसको हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रियल लाइन में कोई गैप नहीं होता, क्योंकि रियल क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सारे रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स लेते हैं। थ्योरम 1.9 क्या कहती है, कहते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, सेट एस मान लिया जो क्या है नॉन एम्प्टी है, और कैसा है सबसेट है रियल नंबर्स का, विच इज़ बाउंडेड बिलो, इसी का ही उल्टा जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। कहते हैं कि हैज़ अ रियल नंबर, एक रियल नंबर आएगा जो क्या होगा इन्फिमम हो गया, वो रियल नंबर लेट कर लिया एल है, ठीक है, क्या होगा इन्फिमम, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कहते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज अ इन्फिमम, ठीक है, एक रियल नंबर होगा जो उसका इन्फिमम बनेगा। अब इसका प्रूफ करना है कि कोई एल है वो इन्फिमम बनेगा, हमें गिवन क्या है, सेट एस गिवन है जो क्या है बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बाउंडेड बिलो है तो लेट कर लिया बाउंडेड बिलो बाय वी, ठीक है, बाउंडेड बिलो बाय वी, ठीक है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये सारी थ्योरी आपने लिखनी है, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो बाय अ रियल नंबर वी, ठीक है। अब बाउंडेड बिलो है तो क्या होगा, सेट एस के सारे एलिमेंट इस वी से बड़े होंगे, ठीक है। अब हम क्या, हमें इन्फिमम दिखाना है तो हम एक ऐसा सेट डिफाइन करेंगे जिसके पास सुप्रीमम होगा, मान के चलेंगे, सपोज करके चलेंगे, कैसे, एक्स का इस सेट एस के जो एलिमेंट थे उनका नेगेटिव लिया, ठीक है, एलिमेंट कौन से रखे, सेट एस के ही एलिमेंट रखे, बट इस टी सेट में हमने उनका नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, इन्फिमम है तो हम सपोज करके चलेंगे कि हम एक सेट लेंगे जो बाउंडेड अबव सेट है और उसके पास अपर बाउंड तो होगा ही होगा, मतलब सुप्रीमम होगा, तो उसके थ्रू हम इसको इन्फिमम प्रूव करेंगे, ठीक है। अब इस टी के पास दिखा देते हैं कि अपर बाउंड है, मतलब ये सुप्रीमम है इसके टी के पास, तो मान लिया लेट कर लिया वाई कोई एलिमेंट है टी का, तो वो वाई कैसा होगा, माइनस एक्स टाइप का होगा ना, ठीक है, वो एक्स कहाँ से है, एस से, कोई एलिमेंट ले लिया हमने कोई फॉर सम एक्स, ठीक है। अब ये हमें पता है कि जो एक्स है इस यहाँ से वो क्या है वी से बड़ा है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ ये माइनस वी हो जाएगा ना,
ठीक है। अब माइनस एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की, वाई क्या हो गया माइनस वी से छोटा हो गया, मतलब वाई किसका एलिमेंट था टी का, इट मीन्स टी को एक क्या मिल गया अपर बाउंड मिल गया, मतलब टी के एलिमेंट इस माइनस वी से छोटे हैं, तो हम क्या कह देंगे कि टी क्या है बाउंडेड अबव है बाय माइनस वी से, ठीक है, बाउंडेड अबव सेट हो गया ना टी। अब कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहता है, अभी ऊपर किया हमने कंप्लीटनेस एक्सियम, कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहता है कि अगर कोई सब नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का और उसके पास बाउंडेड अबव की प्रॉपर्टी है तो उसके पास एक पक्का सुप्रीमम होगा ही होगा, तो हम क्या कह देंगे कि सेट टी हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, मतलब सुप्रीमम होगा, ठीक है। अब t के पास क्या आ गया, लीस्ट अपर बाउंड आ गया, अब मान लिया हमने वो लीस्ट अपर बाउंड क्या है माइनस l, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ t, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड है तो t के सारे एलिमेंट क्या होंगे इस l से छोटे, ठीक है। माइनस y की वैल्यू क्या थी, ओ सॉरी y की वैल्यू क्या थी, माइनस x माइनस l, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया एक्स ग्रेटर आ गया एल से, ठीक है, वही। अब जब हमने वाई की वैल्यू माइनस एक्स रखी तो एक्स आपका कहाँ से था, एस से था, एक्स आपका कहाँ से आ गया एक्स से, तो अब ये डेफिनेशन क्या हो गई कि सारे के सारे एस के एलिमेंट एल से बड़े हो रहे हैं तो हम एल को क्या कह देंगे, लोअर बाउंड सेट एस का, ठीक है, सेट एस का लोअर बाउंड हो गया, समझ गए। हमने माइनस एल क्या लेके चले थे, लीस्ट अपर बाउंड टी का लेके चले गए थे और हमने दिखाया कि वो एस का लोअर बाउंड बन गया, लोअर बाउंड बन गया। अब हमने इसको इन्फिमम बनाना है ना, तो हमने लेट कर लिया एल डैश, यहाँ तक तो हमारा पुराना काम था जो हम अज्यूम करके चल रहे थे कि एक अपर बाउंड वाला सेट अज्यूम करके चलेंगे, दिखाया है उसमें कि एक बाउंडेड अबव एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने एक एल डैश लेट किया जो अदर लोअर बाउंड है एस का, अदर लोअर बाउंड है, डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के इस एल डैश से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स माइनस एक्स आ गया ना, माइनस एस है ना, चलो ठीक है। यहाँ से माइनस एक्स किसकी वैल्यू थी, वाई की, ठीक है, वाई लेस देन इक्वल्स टू किससे, किससे हो गया माइनस का एल डैश से, फॉर ऑल वाई किससे था टी से, तो यहाँ से हमने क्या दिखाया कि जो माइनस का एल डैश है वो अपर बाउंड बन गया ना, माइनस का एल डैश किसका अपर बाउंड बन गया टी का, बट जो माइनस हमारा एल था वो एस का लोअर बाउंड था, जो हमारा एल था वो लोअर बाउंड था एस का, और जो मेरा माइनस का एल डैश आया वो अपर बाउंड आ गया टी का, ठीक है, और जो माइनस एल लेके चले थे हम, माइनस एल हमारा क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था टी का, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, जो माइनस एल है वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस एल डैश हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, माइनस एल डैश और माइनस एल में रिलेशन पता चल गया, ये लोअर बाउंड था माइनस एल और माइनस एल डैश, ठीक है, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एल डैश, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि एल हमारा लोअर बाउंड था ना एस का, ठीक है, और हमारे पास एल क्या आ गया, एल ग्रेटर आ गया एल डैश से, एल डैश हम अनदर लोअर बाउंड लेके चले थे ना एस का, एनी अदर, तो ये दोनों हमारी कंडीशंस आ गई इन्फिमम की, ठीक है। इन्फिमम की डेफिनेशन यही कहती है
तो हम क्या कह दें कि एल क्या है आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट एस का, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसको प्रूव कैसे करना है, इन्फिमम प्रूव करना है। तो हम सपोज करके चलेंगे कि कोई सेट है, उसके पास कोई सेट डिफाइन करेंगे जो बाउंडेड अबव सेट होगा और उसके पास सुप्रीमम होगा, इसका यूज़ करना है। ऐसे ही अगर इसकी इसी स्टेटमेंट की जगह बाउंडेड अबव होता और सुप्रीमम प्रूव करना होता, तो वहाँ हम अज्यूम करके चलते टी को बाउंडेड बिलो सेट अज्यूम लेट करते और उसके पास एक इन्फिमम लेके चलते, फिर हम आगे इसको प्रूव करते, ठीक है। तो यहाँ तक ट्राई करना विद एग्जांपल्स।